स्टार्ट करते हैं, फटाक से जाती हूँ चेंज करके आती हूँ और फिर आगे बढ़ती है हमारी वीडियो। तो हमारे आज का आउटफिट होने वाला, अब देखिए ये है प्यारा सा दुपट्टा, ये है हमारा दुपट्टा, ये है हमारा कुर्ता एंड साथ में है पैंट। चलो मैं चेंज करके आती हूँ फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं, मेरा आउटफिट चेंज हो चुका है। सो फटाफट ये करते हैं। अब मैं आज क्या यूज़ करने वाली, ये है मेरा टोनर डर्माफ्यू का, ये टोनर है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ बहुत अमेजिंग टोनर है, इसे ज़रूर यूज़ करिए, ये आपकी स्किन में ग्लो लाएगा। जरूरी नहीं कि आपको बहुत सारी चीज़ें यूज़ करनी, सिंगल एक चीज़ भी आपकी स्किन को बहुत अच्छा बना देगी। तो ये लिया मैंने, देखो निकाल दो, नहीं निकाल लो कोई दिक्कत नहीं। तुम क्या कर रहे हो? मेकअप तो साथ में ये भी कर लूंगी, तो मैंने टोनर यूज किया है पहले टोनर, तो मुझे कुछ ओवर वॉइस करनी पड़ी क्योंकि उस टाइम मैं थोड़ा बहुत साइलेंट हो गई थी क्योंकि। तो ये है टोनर, टोनर को आपको पता ही है टोनर क्या होता है, बट ये जो मैं टोनर दिखा रही ना बहुत ही प्यारा टोनर है। और ये है सीरम, जस्ट हर्ब का सीरम है, ये प्लांट बेस्ड है एंड आप यूज़ करोगे तो बहुत मज़ा आएगा इसको यूज़ करने में, बहुत ज़रा सा लगता है, जस्ट 2 या 3 ड्रॉप। एक्चुअली क्या होता है सीरम तो 2 या 3 ही ड्रॉप लगता है, आई नो डैट, बट इसमें क्या खास बात है इसमें, ये मतलब क्वांटिटी तो इसकी कम लगती है, ये चिपचिपा बिल्कुल नहीं है, नहीं तो आप जो भी सिरप यूज़ करते हो वो अलग ही फेस में चमकते दिखाई देते हैं। तो बस इसमें सिर्फ एक ही खास बात है, ये समझ में नहीं आता कि आपने लगाया भी है कि नहीं, और इसका ये एकदम से स्किन ब्राइट हो जाती है एकदम से ही, मतलब सोच भी नहीं सकते। अब देखिए यशी साथ में, उसको भी मज़े हो गए, वो मेरी चीज़ें उठा उठा के तोड़ने में लगा हुआ है बिल्कुल, बस उसको मिल जाए। आगे चलते हैं, तो आज मेरा फाउंडेशन होने वाला है चेंज, ये है टेंडर, टेंडर क्रीम फॉरएवर 52 की टेंडर क्रीम, इसके ऊपर भी ज़रूर एक वीडियो बनाऊंगी कैसी ये क्रीम है। तो चलिए इसे अप्लाई करते हैं, मेरे पास ढूंढे, हाँ यहीं रखो यहीं रख दो। तो मैं इसको पानी में भिगो के रखा था तो ये छोटा सा था, अब बड़ा हो गया ये, एंड ये हमारी क्रीम जो यशी ने एक बार ख़राब कर चुकी है। तो ये हम अप्लाई करते हैं, मेरे हाथ से लगा लेते हैं, ये बहुत अच्छी क्रीम है और बहुत देर तक लॉन्ग स्टे रहती है। एक्चुअली ये फाउंडेशन ही है और बहुत अच्छा फाउंडेशन है ये, वाटर प्रूफ है एक्चुअली ये। इसके हाथ लग गया था, देखें बुरे हाल कर दिए इसके। ठीक है मैं फटाफट अच्छे से ब्लेंड करती हूँ अपनी स्किन में, मैंने इस पफ को पहले ही गीला करके रखा था ताकि ये स्मूद हो जाए। मुझे आज तक ये ट्रिक समझ में नहीं है, जैसे सब ऐसे ऐसे करके करते हैं पर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई, क्योंकि कहाँ होता है आप देखो खुद, ये जब ऐसे करते तो वो थोड़ा अच्छे से मेल्ट होता है, अदरवाइज वो कहाँ होता है अच्छे से ब्लेंड। लिप्स में भी लगा लेते हैं फाउंडेशन को ताकि जब मैं लिपस्टिक लगाऊं तो वो अच्छे से बहुत देर तक हमारी टिकी रहे। मैं बहुत अच्छे से ब्लेंड करती हूँ, वैसे मैंने देखा है हर जगह लगना चाहिए, बिल्कुल कहीं छूटे ना, अच्छे से लगे। और मैं तो वैसे ब्रश का यूज़ करती थी बट अब मैं इसका भी यूज़ करने लगी हूँ। ये फाउंडेशन अगर आप चाहो तो आप ले सकते हो, सच में ये बहुत अच्छा फाउंडेशन, ये बहुत सारी अब इतने महंगे महंगे ब्रांड भी ले लो पर ये इतना लॉन्ग लास्टिंग है, ये टिका रहता है बिल्कुल। अगर आपका फेस गीला भी हो गया है, पसीना आ गया, कुछ आ गया, तो ये नहीं होता अलग। ये देखो ये जान मुझ के चिल्ला रहा है, इसको पता मैं वीडियो बना रही हूँ और ये पर आप, तो ये देखो फर्क, इसका फर्क आपको देखो। चलो कंटिन्यू करते हैं ये,
मारने पीटने में लगे हुए महाराज जी। तो प्रेस पाउडर ताकि हमारा मेकअप पूरी तरीके से सेट हो जाए। नहीं पहले आज मैं कंसीलर यूज करूंगी, मेरा कंसीलर। आज का हमारा मेकअप होने वाला है क्योंकि आज मैंने जो आई पेंसिल है वो चेंज करी, वो मैं ब्राउन कलर यूज करने वाली हूँ आज। तो ये हमारा पाव, तो फाइनली अब प्रेस पाउडर का यूज किया जाए जल्दी से। कैसे ये रो इसको भी कुछ देखे सेट करें यहीं पे, नहीं तो ये बहुत तंग करता है। ये हो चुका है मेकअप हमारा, बेस तैयार हो चुका है बहुत अच्छी तरीके से। जो मैंने आपको सिरम दिखाया था जस्ट आपको, ये भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है नो डाउट। पर जब इसका ड्रॉपर से यूज करो ना, ड्रॉपर से वो बाहर नहीं आता, वो आपको खुद ही टिप टिप करना पड़ता है, मतलब वो आराम से बाहर नहीं आता है। बस उसके साथ एक यही दिक्कत है, बाकी वो अच्छा है, फाउंडेशन अच्छा है नो डाउट। तो हम क्या यूज़ करने वाले हैं, ऑफकोर्स पैलेट, हल्का सा तो शेड चाहिए ही हमें। ये है मेरी टूटी फूटी पैलेट जो टूट गई थी, पर कोई बात नहीं, अब टूट गई तो यची ये देखो ऐसे तंग करता है ये। तो ये मैं लगा लेती हूँ बहुत लाइट शेड, क्योंकि मेरा मेकअप आज कुछ और होने वाला है। ये बाहो मेकअप है, बाहो मेकअप, तो बहुत लाइट शेड ही हम चलाने वाले हैं। मैं येलो नहीं लगा रही हूँ, मैं हल्का सा पिंक, कुछ अलग सा शेड है ये, पीच कलर एक्चुअली बोला जाए, सिर्फ लाइट सा ये मैंने लगाया है। ये देखो हो गया ये लो। अब मैं ब्राउन कलर का आई लाइक वो काजल यूज करने वाली हूँ। तो हमारा काजल पेंसिल है ये आयरिक की है, आयरिक की काजल पेंसिल, ये मुझे ब्रांड की तरफ से आई थी, तो ये मैं अप्लाई कर रही हूँ। ये देखिए सिर्फ हमारा इतना था आई मेकअप कंप्लीट हो चुका है। कोशिश पूरी रहती कि बहुत अच्छा कर सकें, क्योंकि मैं भी बहुत चीज़ें सीखते जा रही हूँ। और ये मेरे लैशेज हैं जिसमें पहले मैंने ग्लू लगाई थी, ये पफ खा रहा है बैठ के। ठीक है नाउ मेरा मेकअप ऑलमोस्ट डन हो चुका है, क्योंकि हमारा बहुत लाइट मेकअप होने वाला है। तो मैं फटाफट अपने एयररिंग उतार देती हूँ, मैंने छोटे से टॉप पहने हुए थे, छोटे छोटे से क्यूट से टॉप, ये मैं उतार देती हूँ। हमारी तो वीडियो में कुछ और ही चलने वाला है, मैं लैशेस लगाने वाली थी ना आई थिंक। ठीक है मैं लैशेस लगाती हूँ। ये मैंने आज दूसरी ग्लू ट्राई करी है, देखते हैं अब ये चिपकती भी है कि नहीं, क्या होता है इसके साथ। ये सबसे डिफ़िकल्ट काम है मेरे को लगता है पूरी वीडियो में, मतलब लैशेज ना इतनी जल्दी आसानी से चिपकते नहीं है, था ये शायद ग्लू की वजह से, तभी मैं ग्लू दूसरी लाई थी। कुछ हद तक तो हो गए। अच्छे से चिपक जाए तो अच्छा है, ये नहीं पहनना अभी।
इसमें फिर से ग्लू लगाती हूँ, देखती हूँ। हाँ ये भी तंग कर रहा है साथ में। यशी वो देखो क्या बोलेंगे, ये बच्चा कैसा है। बैठो 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 बैठो, चलिए बोल। ये ग्लू लाई थी, ट्राई करती हूँ फिर से लगा के देखती हूँ। नहीं चल देखिए ताई जी क्या कर रही है। लगा के देखती हूँ, वो ताई जी बुला रही है। बंद हो जाओ। अरे ये देखो मैं एक ही छोटी सी नई टाइप की लाई हूँ, अभी इसका कुछ असर मुझे समझ में आया तब तो मैं आपको भी बताऊँ। ये नहीं चिपक जाएगा हाथ, इसके साथ वीडियो बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, पर क्या करें। चिपक गई। फाइनली हो गई भाई, हो गई। मतलब ग्लू अच्छी है, ये चिपक गई है, मतलब ग्लू अच्छी है। चलिए ठीक है, फिर इसकी वीडियो बनानी पड़ेगी, आपको बताना ही पड़ेगा। यशी के साथ वीडियो बनाना टू डिफिकल्ट, आपको पता है पहले मुझे एक ENQ की प्रोडक्ट आया था, इंस्टा के लिए आया था वो, मुझे इसने वो बॉटल ही तोड़ डाली फेंक के गुस्से में, और वो सीरम था एक। सो वाओ, तो बताएं मैं कैसी लग रही हूँ। और इज डन, लैशेज इज डन, अच्छे से सेट तो हो गए ऑलमोस्ट। जो पिछली वीडियो बनाई थी उसमें लैशेस लगाए थे, बाप रे बाप, में उसने मुझे इतना तंग किया, मतलब वो चिपक ही गए थे मेरी, और चिपक के आराम से तो निकल गए थे, बट जब मैंने क्या बोलते उस ग्लू अलग करने में लगी ना, तो वो पूरी लैशेस से चिपक गई थी। तो ये मेरा है कंडोर लगा दें, ये इसने पूरी गीली कर दिया, हल्का सा टच होना चाहिए। ये हो गया हमारा, तो मैं यहीं दे रही हूँ, और मुझे नहीं चाहिए, आई थिंक मुझे इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। ऐसे चिपक गए ना, चिपक गए हैं। सो ये सब चीजें मेरी हो चुकी हैं, फाइनली सब चीजें हो ही चुकी हैं। क्या डाल रहे हो, बाप रे ये कान के टॉप्स लेके बैठा हुआ है मेरे, ये देखो छोटे छोटे अपने वहां डाल रहा हो। ओके ठीक है, हो गया ये हमारा काम। लिपस्टिक, मैं क्या लिपस्टिक इसमें मैंने निकाल के तो रखी थी, अब इसने कहाँ फेंक की है। हाँ तो मैं यूज़ करने वाली हूँ ये माइग्लाइम की लिपस्टिक, बहुत ही क्रीमी बेस्ड है ये, देखिए ये शेड।